हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। देखिए, आज का अपडेट फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, जो आपके मार्च में एग्जामिनेशन चल रहे हैं उसी को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं कि सर हमें ये बताइए, जो हमारा एग्ज़ाम है, अगर उसमें हम एक दो सब्जेक्ट में फेल या एबसेंट हो जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो उनके हमारे एग्ज़ाम कब होंगे दोबारा, या फिर हम सभी सब्जेक्ट में किसी कारणवश नहीं दे पाते हैं, या फिर एबसेंट हो जाते हैं, या फिर हम कुछ भी लिख के ना आते हैं और हमें पता है कि हम फेल होंगे, तो उनके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं दोबारा, और पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या हमें प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर हमें पूरा साल दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और जो सोल में चेकिंग होती है यानी रिजल्ट किस टाइप का बनता है, क्या बच्चों को पास करने की कोशिश की जाती है या नहीं की जाती, या फिर बच्चों को अंधाधुंध फेल किया जाता है। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर किए जाएंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाए वीडियो के अलावा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाके ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, जो आपका फर्स्ट ईयर होने वाला है उसमें आपके दो सेमेस्टर होने वाले हैं, ये आपको क्लियर है। दोनों सेमेस्टर में आपके सात सात सब्जेक्ट होने वाले हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात रही पासिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखिए, पासिंग क्राइटेरिया नए पैटर्न के हिसाब से आपके 90 मार्क्स का पेपर आने वाला है, उसमें पासिंग क्राइटेरिया वही 40% रहने वाला है, यानी 90 का 40%, यानी 36 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स हैं, मतलब ऑन द लाइन आप उसके ऊपर होने वाले। पर आपको टारगेट क्या लेके चलना है, 36 मार्क्स है तो आप ये मान के चलिए 50 से 60 टारगेट दिमाग में लेके चलिए कि हाँ मुझे 50 से 60 मार्क्स का पेपर करके आना है, तब जाके कट पटा के मर मरा के आपके 30 से 40 नंबर आ पाएंगे। अगर आप 40 तक स्कोर कर लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप पास हो जाएंगे। 40 तक स्कोर का मतलब 60 तक रखिए और करके आइए, तब जाके आपके 40-45 नंबर आ पाएंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके अभी एग्ज़ाम बाकी है, बाकी जो हो गए उनका तो क्या ही कह सकते हैं। देखिए, प्रेजेंटेशन जितनी आप अच्छी रखेंगे उतने आपके मार्क्स गेन होने वाले हैं, ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी। प्रेजेंटेशन साफ़ सुथरी रखिए, आपको जहाँ 5 नंबर मिल रहे होंगे वहाँ आपको प्रेजेंटेशन की वजह से 6 से 7 मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसा कि मैंने आपको समझा रखा है। ये तो आपको समझ में आ गई पासिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। कितने भी नंबर का हो, 30 नंबर का भी आया, 55 नंबर का भी आया, 40 का भी आया, 70 का भी आया, तो उसके बाद आप 40% निकाल लीजिएगा, उस उतना आपको पासिंग मार्क्स लाना ही पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं फेल और एबसेंट। देखिए, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर कोई भी सब्जेक्ट में फेल या एबसेंट हो जाते हैं तो उसके एग्ज़ाम कब होंगे। देखिए, जो आप फर्स्ट सेमेस्टर या सारे सब्जेक्ट के मान के चलिए फेल या एबसेंट हो जाते हैं, उसके जो आपके एग्ज़ाम है वो एक सेमेस्टर छोड़ के यानी थर्ड सेमेस्टर होने वाले हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जैसे स्कूल में होता था, अगर हम 9th के सभी सब्जेक्ट में फेल हैं तो उसके एग्ज़ाम कब होते थे आपके, सबसे पहले आपको 9th क्लियर करनी पड़ती थी तभी आप 10th में जाते थे। पर यहाँ पे ऐसा सीन नहीं होगा कॉलेज के अंदर, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट में फेल भी हो जाते हैं तो आपको सेकेंड सेमेस्टर देने का मौका मिलेगा, यानी प्रमोट किया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर के साथ होने वाले हैं, फिर आपको पास करना पड़ेगा। अब बात है उसके लिए आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे, उसके लिए आपका रिजल्ट अलग से आएगा, उसके लिए आपको फ़ीस देनी पड़ेगी पर सब्जेक्ट। ये नहीं होगी कि पूरे साल की फ़ीस देनी होगी आपको, बस जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं 200 रुपये हाइएस्ट होती है सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट की फ़ीस, अगर कुछ चेंज हुई तो वो आपको बता देंगे, उस हिसाब से आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी पर सब्जेक्ट की। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल या एबसेंट होकर चल रहे हैं तो ये मान के चलिए आप 7 सब्जेक्ट हैं जितने भी छोड़ रहे हैं, 5, 6, 7, तो ये मान के चलिए आपके यहाँ पे ये बन रहे हैं पैसे, यहाँ पे ये मान के चलिएगा यहाँ से आपके पैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके एग्ज़ाम फ्री में कंडक्ट करवाए जाएंगे, ये गलती आपकी है, सोल की गलती नहीं है, वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, आप नहीं देने आए तो ये आपकी गलती है। यह बात आपको समझ में आ गई कि प्रमोट किया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ स्कूल वाला सीन नहीं होगा, अगर 9th में फेल है तो 10th के साथ आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, पर कॉलेज में ऐसा है फर्स्ट ईयर के फेल हैं तो आप सेकेंड ईयर के साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। पासिंग क्राइटेरिया मैंने क्लियर कर दिया, प्रमोट कैसे करना है वो भी क्लियर कर दिया। अब बात है सोल के रिजल्ट के ऊपर, सोल रिजल्ट कैसे चेक करता है, क्या बच्चों को फेल की रेशियो ज़्यादा रहती है पास की ज़्यादा रहती है। देखिए, मैं आपको सीधा क्लियर बताऊंगा, सोल जो रिजल्ट बताता है आपके कोई भी साल का देख लीजिएगा, पिछले साल का, दूसरे साल का, इतने बच्चों को फेल किया जाता है किस वजह से, वही प्रेजेंटेशन। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी है जो दावा करते हैं कि हाँ मैं फेल नहीं हो सकता, तब भी वो फेल होते हैं, तो बस इसलिए आपसे कहना चाहते हैं प्रेजेंटेशन अच्छी रखिए। अगर आप पूरा पेपर भी लिख के आएंगे और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो आपका आंसर देखते ही काट देगा, अब उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए कहते हैं प्रेजेंटेशन साफ सुथरा लिखिए ताकि आप मार्क्स गेन कर पाएँ। वही बोर्ड वाला सिस्टम है तो जितना आप लिख सकते हैं अच्छा उस हिसाब से लिखिए, और जितना पढ़ सकते हैं उस हिसाब से पढ़िए, क्योंकि आप
फेल होते हैं तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, एक बात बताऊँगा, अगर आप फेल या ER आ जाती है, देखिए फेल को ER कहते हैं यानी एसेंशियल रिपीट, वो आपके सब्जेक्ट में आ जाती है तो ये मान के चलिए आपको इतना घुमाया जाएगा पेपर के लिए, फॉर्म के लिए, आपके कब फॉर्म निकल रहा है, रिजल्ट कब निकल रहा है, रिजल्ट अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो बस इसलिए कहना चाहता हूँ आपको, एग्ज़ाम पास कीजिए, अगले सेम में जाइए अच्छे से सारे सब्जेक्ट पास करके, तभी आपके लिए फ़ायदा है। अगर आप ER आती है तो ये मान के चलिए आपके रिजल्ट में इतनी दिक्कत आने वाली है, आपको बहुत घुमाएंगे सोल वाले। तो बस इसलिए कहना चाहता हूँ कि हाँ, सोल के एग्ज़ाम में फेल किया जाता है बच्चों को, और अच्छे खासे बच्चों को फेल किया जाता है। अभी आप रिजल्ट खुद देखेंगे, अभी देखिए 4th एंड 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है जल्दी, आप उसको देख के समझ जाएंगे कि हाँ कितने स्टूडेंट्स को फेल किया जा रहा है, कितने को पास किया जाता है। मैं रेशियो आपको बता दूंगा, मतलब 50+ तो बच्चों को फेल किया ही जाता है, और वो फेल लिख के ही ऐसा आते हैं या फिर कुछ नहीं लिख के आते, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो हमें अपना पूरा 100% देना है, ये बात आपको समझ में आ गई। बाकी मैंने आपको सारे पॉइंट क्लियर कर दिए हैं, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। चले फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं, अपने दोस्तों का शेयर मार दीजिएगा वीडियो को।